गाइड इनको कुछ बता रहा है तो मैं भी आपको सुनाऊंगा ये क्या सुना रहा है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो सब? ठीक ठाक। अभी हम आए हैं जलियांवाला बाग में, तो अभी हम पहुंचे अंदर। जब यूं ही हम अंदर आए तो यहां हमने देखा एक कुआं बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं कुआं। और मेरे साथ यहां पे नादिर भाई है और यहां आतिफ भाई है और फैसल भाई है। तो ये हमने देखा यहां पे एक कुआं है। इस कुएं की हिस्ट्री आपको पता है? ये आपको नादिर भाई बताए कि इस कुएं के बारे में। इस कुएं में जब उस दिन फायरिंग हुई थी ना, जब जनरल राय ने वहां से फायरिंग की, वहां से वो दिखा ना, वहां से फायरिंग की, तो वहां पे मीटिंग चल रही थी। आज वहां पे मीटिंग चल रही थी, जब मीटिंग चल रही थी फायरिंग वहां से हुई। या आप देखिए पीछे गोलियों के निशान भी है। बिल्कुल, जब फायरिंग हुई थी तो वो मतलब उसमें फायरिंग में मारे गए थे लोग, कुछ यहाँ से दौड़ रहे थे, वहाँ से दौड़ रहे, जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे 120 लोगों ने छलांग मारी, मगर सब के सब शहीद हो गए यहाँ पे। यह आपको मैं इतना बता सकता हूँ। वहाँ पे भी वो जो वहाँ पे लगा हुआ है बुलेट मार्क्स, वहाँ पे यहाँ पे भी यहीं से फायरिंग की थी, इसको चारों तरफ से घेरा गया था। बस इतना ही है। चलो नादिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी यहाँ के थोड़ा सा इस कुएं के बारे में। और भी यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे एक और जगह है, हम उधर जाना चाहते हैं और वहाँ लेके हम आपको चले गए अभी। तब तक के जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे गोलियाँ चली हुई है, तो यहाँ पे वो मार्क अभी भी दिया गया है जहाँ पे गोलियाँ लगी थी। ये आप खुद देख सकते हो, अब तो ये ज़्यादा ही दिख रहा है, मगर इतना नहीं है। अब ईंटें ख़राब हो गई है यहाँ पे। बाकी ये जो आप छोटे छोटे छेद देख रहे हो, यही बुलेट्स के निशान हैं। उन दिनों वो कार्ट्रिज चल रहे थे, उन दिनों कहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी थी। गाइड इनको कुछ बता रहा है तो मैं भी आपको सुनाऊंगा ये क्या सुना रहा है। ये वही जगह है जहाँ जनरल राय ने फायरिंग की थी, यहाँ पे 1000 आदमी मर गए थे उस दिन। यहाँ पे बैसाखी का दिन चल रहा था तो यहाँ पे सब लोग जमा हो गए थे, उसके बाद यहाँ पे फायरिंग हुई है, उस फायरिंग में 1000 आदमी यहाँ पे मारे गए। उसी से इसका नाम पड़ा है जलियांवाला बाग मैसेकर।